कुछ योजना वोजना का लाभ मिलता है या नहीं? ना कहाँ मिलते हैं नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। ना। जमीन आपकी है तो इंदिरा आवास तो ले सकते हैं आप, हाँ ले सकते ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मिला है या नहीं? ना, नहीं नहीं। मिला। और चाची आपको पेंशन मिलता है या नहीं? मिला नहीं है। मिला, मिलता है। और हाँ। कोई योजना का लाभ मिला है या नहीं? ना कुछ है ना। वोट दीजिएगा इस बार, किनको वोट दीजिएगा? चार को बच्चे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाते कोई योजना हैं। का लाभ नहीं, नहीं, गैस नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो मिलता हमने के इंदिरा आवास देना उठाते, ऐसा न रहते मैडम। जाइएगा ना, ना वोट उठनी ना देवे जम, कुछ मिले मिलवे ना कला के तक कौन चीज वोट देवे। वोट अगर नहीं दीजिएगा तो फिर शिकायत भी नहीं कर पाइएगा, वोट दे के शिकायत कीजिए। हाँ तो शिकायत वोट तो देवे देवे करे, सबको के देवे है। किनको दीजिए? आपके इधर की सड़क इतनी खराब है, मान लीजिए मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है तो उनको कैसे लेके जाते हैं आप लोग? दिक्कत है, बहुत दिक्कत। लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हो गया है और नज़दीक है, 19 अप्रैल से पहला मतदान होगा और इसी को लेकर के हम जो है हर जिले में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहां से जीतने की किसकी संभावना है। उसी बीच हम जहानाबाद आए हुए थे, ये जहानाबाद का जो है पोखवा गाँव है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो लगा कि आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जो है जाति की वोटिंग होती है, जातिवाद बहुत चलता है, लेकिन जो नेता आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांगने आते हैं उनसे यही कहिएगा कि आप जो जोत जात पे जो वोटिंग मांगते हैं कम से कम उस जात का तो भला कर दीजिए जिसके नाम पर आप वोटिंग मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं इस जात ने हमें वोट किया है। तो यहाँ पर लोग हैं और जो है उनकी ज़मीन है, क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन मांझी। ये मांझी जी, अच्छा आप मांझी समुदाय से आते हैं? हाँ जी। मांझी समुदाय से कहा जाता है जीतनराम मांझी, जानते होंगे? हाँ जी। कभी देखे हैं उनको? देख ली है। देख ली है, अच्छा। कुछ बोले बोले कि नहीं कि हमको कुछ दीजिए? बोले थे तो कहाँ दिए हैं? नहीं दिए हैं। ये आपका घर है? हाँ आपका घर। जमीन आपकी है? हाँ। तो कुछ योजना वोजना का लाभ मिलता है या नहीं? ना कहाँ मिलते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। जमीन आपकी है तो इंदिरा आवास तो ले सकते हैं आप? हाँ ले सकते। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मिला है या नहीं? ना, नहीं, नहीं। कोई योजना का लाभ मिलता है? अनाज मिल रहा है मुफ्त में? हाँ वो खाली मिलते हैं, सिर्फ वो मिलता है। हाँ। और कोई लाभ नहीं? नल जल योजना भी एक है, आपके इधर नहीं आई है क्या? वो नल है, नल है उधर। अच्छा, वो नल जल योजना के तहत आई हुई है जी। बिजली वगैरह उज्ज्वला योजना है एक जिसे गैस मिलता है? गैस नहीं मिलते, नहीं मिला है। अच्छा, तो मुखिया जी से नहीं बोलते हैं कुछ करने के लिए, कुछ कीजिए? बोलते हैं तब कुछ कहवे नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी डाल दिए हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस डाल दिए हैं। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी भी बता रहे थे कि आपकी पत्नी भी जो है दिव्यांग ही हैं जी। दोनों पति पत्नी ने कभी किसी नेता से कुछ गुहार नहीं लगाई? कैसे चलता है जिंदगी आपका? क्या कार्य करते हैं आप? कुछ ही करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते, जीवन यापन कैसे हो रहा है? जीवन यापन करने के लिए कुछ काम तो कर लेते हैं। अच्छा, उधर उधर से जैसे कोई किसी ने सहायता कर दी तो उसी से चल रहा है? हाँ ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं झोपड़ी है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है इस बार, क्योंकि ये जहानाबाद का एरिया है, जहानाबाद से जो है चंदेश्वरी जी हैं इस बार, चंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवर्षी जी हैं। और उनसे क्या नाम हुआ? मेरा। चाची आपका? सुशीला कुमारी। सुशीला कुमारी जी। घर आपका है? हाँ मेरा है। देखिए, जमीन भी आप ही की है ना जी? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कब्जा करके ऐसे बस जाते हैं। अभी तो एक कागज के जमीन है, अथी आप ही का जमीन है? कैसा जोर रहते हैं जिम्मेदार, हम खेती करते हैं। हाँ। चाहे काम करते हैं उसके ही अथी नहीं है, बाकी अभी कागज पाता नहीं है। अच्छा, कागज नहीं है आपके? नहीं। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हैं? हम कम से कम 200 साल से रह रहे हैं। वोट दीजिएगा ना इस बार? हर बात देते हैं, जो कहता है जिसके देते हैं। कौन कहता है? वोट अपने मन से दिया जाता है। ठीक है, एक जो है आपके इधर से चंद्रेश्वरी जी, उनको वोट दीजिएगा या किनको वोट दीजिएगा जी? देंगे। वोट कैसे देते हैं, जा करके कोई बताता है क्या कि वोट देना है? अपने मन से देते हैं ना, तो छाप देख के देते होंगे ना जी? जी। अच्छा, जो नेता यहाँ से है, जो सांसद, काम किए हैं यहाँ? ये देखिए, सबके नली गली हमने के नलियों नहीं बना है। कोई योजना का लाभ मिलता है? अनाज मिलता है? नहीं, ये सब कमाते हैं तो चार को बच्चे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाते हैं। कोई योजना का लाभ? नहीं, नहीं। गैस नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो मिलता हमने के इंदिरा आवास देना उठाते, ऐसा न रहते मैडम। इंदिरा आवास भी नहीं मिला? नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? बाल गोविंद मांझी। बाल गोविंद मांझी। मुखिया जी कुछ मदद नहीं करते हैं? कहाँ मदद किए हैं, देखिए आप लोग, विकास भी देखिए, सब चीज यही है।
नहीं नली बना है, न गली बना है। इंदिरा आवास के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई लिख के दे दिए। जमीन तो सर आपकी है? हाँ मेरा ही है। तो जमीन जब आपकी है तो इंदिरा आवास तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो मिलेगा, देगा सरकार तब ना। अप्लाई तो मुखिया जी ने करेंगे, मुखिया जी के कह दिए हैं तो हम सब लिख के दे दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? खेती बाड़ी इनका है। हाँ, क्या करेंगे? तो किसानों को भी किस्त दी जाती है, वो मिलता ना, है ना? वो भी बीजेपी वाला भी, वो केंद्र वाला भी नहीं मिलता है। वो किसान के खैर तो किसान को मिलता ही है। किसान के तो खैर मिलता ही है। तो आप किसान नहीं है? नहीं, हम खेती बाड़ी करते हैं। दूसरे के जमीन पे? दूसरे के जमीन पे। अच्छा, जो भौली जिसको कहा जाता है। हाँ, मजदूर जी। ठीक है। आप चाची, आपको पेंशन मिलता है या नहीं? मिलता है। और कोई योजना का लाभ मिला है या नहीं? ना कुछ है ना। वोट दीजिएगा इस बार? किनको वोट दीजिएगा? हमें अंधर धुंधारी बुझा तो देते हैं। वोट देते हैं या नहीं देते? हाँ देते हैं। किनको दीजिएगा? कौन सा छाप देख दीजिएगा? और जान छाप रहा है, जो छाप रहा है कोनो का हुआ बतावा है। नहीं, अपने मन से देते हैं ना। हाँ। अच्छा, तो सर यो जो यहाँ के जो मंत्री है, काम वाम किए हैं या नहीं? ना कुछ है ना। कुछ नहीं ना। जब हाथ जोड़ करके आएंगे वोट मांगने के लिए तो क्या बोलिएगा? हाँ, दे भाई देंगे। जब मंत्री जी आते हैं हाथ जोड़ के कहने के लिए, दीजिएगा। हाँ देंगे। शिकायत नहीं कीजिएगा कि क्या दिए हैं आप? नहीं देते हैं। देते हैं? हाँ। क्या देते हैं? वोट देते हैं। आप तो वोट देते हैं ना, मंत्री आपको क्या देते हैं वोट? कुछ ना। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो बोलते नहीं है, जब आप हमको कुछ नहीं देते हैं तो हम आपको वोट क्यों देंगे? हाँ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है अभी तक? कोई योजना नहीं? कोई योजना? उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। हम लोग लिए ही नहीं है। नहीं लिए हैं? कनेक्शन करवाई नहीं की? नहीं करवाई। ऐसा बात नहीं है? हाँ बिजली तो है, बिजली है, उसका भी सुविधा नहीं है। पानी भी है? पानी भी है। हाँ। यानी पानी पी पी करके इंसान काम करेगा। हाँ, हाँ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भोले सलमान जी। हाँ, तो वोट दीजिएगा इस बार? वोट जो दीजिएगा तो क्या ख्याल रख के सर वोट दीजिएगा? काम किए हैं कि नहीं आपके क्षेत्र के नेता? कहाँ कोई काम कर रहा है। हम जो उधर से आ रहे थे तो देख रहे थे सर, जो आपकी जगह की जो सड़क है का हालत बहुत खराब है, तो कभी बोले नहीं है? तो हम बोल के क्या करें? हमारा सब बना तो आप एक जनता है, आप बोल सकते हैं। हाँ। आप लोग खुद कमजोर मान जाते हैं, इस बार जब हाथ जोड़ के आएंगे तो बोलिएगा ना। हाँ बोले। सड़क बनवाइए। हाँ ठीक है, बोलेंगे तब वोट देंगे। हाँ तब वोट देंगे। जो जो शिकायत है सब करना है इस बार। कहाँ घर? कच्चा ये कच्चा है या पक्का है? करकट के घर है। करकट के घर है। आपको भी योजना का लाभ नहीं मिला है? ना। लगभग सबका यहाँ वही हाल है। हाँ। कुछ योजना का लाभ नहीं मिला। कितने साल से रह रहे हैं? हम तो बहुत साल से हैं। हाँ। पेंशन मिलता है या नहीं? ना। पेंशन भी नहीं मिलता है? ना। 60 पार नहीं किए हैं अभी? तो अब कहबे नहीं कर देते। क्या कह जाए सरकार कहे कि तू अभी उम्र रही है। हाँ तब का कर? आधार कार्ड में कम उम्र दिलवाए होंगे इसीलिए। क्या नाम हुआ चाची आपका? तो आपका रूपम देवी। चलिए, तो चाची काम वाम हुआ है या नहीं? हम गौशाला के भाड़ी है तो हमारा नाम मिल रख है। क्या मिला है? गौशाला के गोरु के सेट बनवेला। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला है या नहीं? और कुछ मिलल है? कुछ न मिलल है। राशन तो मिलता होगा जरूर? राशन हमरा ना मिला है, हमारे ससुर के मिला है, हमरा ना मिला। तो घर में किसी को मिलता है ना? हाँ। अच्छा, और कोई योजना का लाभ? वोट देने जाइएगा ना? ना वोट उठ हम नहीं देवे जान। कुछ मिले मिलवे ना कहला के तो कौन चीज हम वोट देवे? वोट अगर नहीं दीजिएगा तो फिर शिकायत भी नहीं ना कर पाइएगा। वोट दे के शिकायत कीजिए। हाँ तो शिकायत वोट तो देवे जाए करे सबको के देवे है। किनको दीजिएगा इस बार क्या लगता है? अब काई किया है तो हम अभी जानबे ना कही थी तो। अच्छा चलिए, मान लीजिए एक छाप है बीजेपी को जानते होंगे कमल छाप। हाँ। एक और एक जो है आपके इधर से तो तीर छाप है जदयू है, एक लालटेन है, तो किसको दीजिएगा? जैसे आपको मान लीजिए नीतीश कुमार है, लालू यादव है, तो किनको वोट दीजिएगा? को ना दे भाई। इनको पता नहीं है शायद, आइडिया नहीं है अभी। और सब है बैठे हुए हैं? वोट तो देंगे ना। किनको दीजिएगा? बीजेपी के देंगे। बीजेपी? हाँ। अच्छा, चंद्रेश्वरी जी को जिताइएगा एकदम? ये उसको क्या जिताए करेंगे, तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को नहीं, उसको वोट नहीं देंगे। क्या नाम है उनका? चिराग प्रसाद चंद्रेश्वरी जी।
अभी बीजेपी के साथ अलायंस है जदयू, हाँ उसको देंगे बीजेपी के देंगे। अच्छा बीजेपी को दीजिएगा, यानी कि कैंडिडेट के कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं पड़ता है क्योंकि वो कैंडिडेट बीजेपी में है इसलिए वोट पड़ता है। ये बात यही है, बीजेपी कहीं देंगे जिधर भी रहेगा उधर। अच्छा, बीजेपी से क्यों इतना मतलब आप मोहब्बत झलक रहा है आपको, क्या बीजेपी लग रहा है ना, बहुत शांति से हैं, शांति से शांति से जी रहे हैं। वो कह रही थी कि गला कटता था, पढ़ लिख रहा है, अच्छा से पढ़ लिख रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शांति है, शांति है एकदम। कुछ लोग कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, जो जिसका इच्छा है वो अपना करे, उससे क्या हमको कहना है। लेकिन आप बीजेपी को, बीजेपी के दिन आप किसको दीजिएगा चाची? हमें पता ही नहीं है कि किसको दीजिएगा। ठीक है चलिए बीजेपी को दीजिएगा। तो हमारे साथ जहानाबाद की जनता थी। लगभग अगर मैं जहानाबाद के बारे में बात करूं तो लगभग ऐसा लगता है कि यहाँ के जो सांसद हैं उनकी जो नज़र है यहाँ कभी फ्री नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ है। आप चाहे किसी के घर को देख लीजिए, सड़क तो ऐसी है कि कोई अगर बीमारी वाले हालात में अगर आ जाए तो वो और बीमार पड़ जाए। और अगर एक बात मैं कह दूं कि कोई अगर गर्भवती है यहाँ की, एक 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 चीज़ पूछते हैं चाची, क्योंकि आपके इधर की सड़क इतनी खराब है, मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है तो उनको कैसे लेके जाते हैं आप लोग? दिक्कत है, बहुत दिक्कत, क्योंकि हम नॉर्मल दिक्कत रहा है, गाड़ी हम जाए खौरा धरे, क्योंकि सड़क मैं देख के आ रही हूँ, सड़क इतनी खराब है, इतनी खराब है कि कहने की बात नहीं। लगता है कि जो सांसद महोदय हैं वो वोट मांग करके चल गए हैं, उसके बाद कभी दोबारा यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं, कभी नहीं। तो जरा नजर फेरिए वरना दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा आपको। बाकी आपने लोगों की बात सुनी, आपको कैसा लगा न्यूज़ आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।